सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा है। अरे ना ही कर लो भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। अरे सुनील चचा, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा, मेरी गाय का दूध अपने आप निकल कर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी, अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। 12 साल से कप नहीं जीता, ना ऊपर ना नीचे, बीच में अटक गए यार। Excuse me, मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से हम ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीते ताकि हमें इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं ये दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के ही किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये हवेली भूतिया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम किरण है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं, भूत तो नहीं देखा हमने कभी। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। ये सब सुनकर भीखू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी किरण बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। अब ये क्या कह रही हो, पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ, ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भीखू किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए भीखू के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी भीखू के मुंह से बस ये शब्द निकले, हवेली, लड़की, किरण, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है जिसने भीखू को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे राजेश भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे राजेश, इतना ड्राइवर क्या कह रहा है, चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। भैया आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मान कर चले गए। अरे
हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए, हम इन सब बातों को नहीं मानते, ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा आ जाएगा, क्यों राजेश? क्या हुआ बिरजू? अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे। तो यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं भैया, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है, ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। राजेश भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार बिरजू तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पेट में तो हाथी चूहे भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजेश, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। पिताजी हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों, हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ दो गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं, कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दीजिएगा। राजेश उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? अबे अबे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है, और ये गाने की आवाजें भी आ रही हैं। ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं, या फिर हम लोगों को डराने के लिए ये किया जा रहा है। क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार ये तो सचमुच भूतिया है। नहीं हम यूं विश्वास नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। यह हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह क्या होता है? गेस्ट हाउस, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई ये तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं, तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं हुस्न परी हूँ, हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों, हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप दोनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ भूख तो लगी है, जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके हम दोनों। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ क्यों नहीं। आवाज सुन जब गार्ड धीरज और मुन्ना अंदर आता है तो उसे मयंक और राजेश उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। वो डर कर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब गजब हो गया,
लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैल ने किया है, क्योंकि वहाँ से लड़कियों की आवाजें आ रही थी, वो गाना भी गा रही थी, हमने पायलों की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। मयंक और राजेश अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद राजेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां राजेश और मयंक को बताती हैं, उस दिन जिस दिन पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ भीखू को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने भीखू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया, ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहे। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहाँ आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे आज तुम सब लोग अत्ते चढ़े हो, अब देखो इंस्पेक्टर टुंडे तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबके नाक में दम करके रखा था। थानेदार साहब धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इन्होंने भीखू की हत्या भी की है। अरे ले चलो रे इन सबको गाड़ी में भर के। आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूरत ना है। कुछ ना होते ये भूत प्रेत, समझदार बनो तुम सब राजेश और मयंक की तरह। गांव वालों को राजेश की बात पर भरोसा।